प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा का आयोजन केएच मेमोरियल स्कूल जवाहरनगर में किया गया। आयोजन को बड़े पर्दे में टीचर्स और स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। कार्यक्रम को लेकर सभी में उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा का आयोजन जवाहरनगर स्थित केएच मेमोरियल स्कूल में किया गया। स्टूडेंट्स और टीचर्स से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखने स्कूल में ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी। सभी ने बड़े पर्दे पर कार्यक्रम को देखा। इसे लेकर टीचर्स और स्टूडेंट्स में खासा उत्साह देखने को भी मिला। प्राचार्य विभा झा और डायरेक्टर निश्चय झा ने भी टीचर्स के साथ बैठकर प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से सुना। स्कूल के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा को लेकर सवाल भी किए, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही सहज रूप से जवाब दिया। केएच मेमोरियल स्कूल की प्राचार्य विभा झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ छत्तीसगढ़ सीबीएसई और प्रिंसिपल ऑफ केएच मेमोरियल स्कूल। आज मैं परीक्षा की चर्चा के बीच में बैठी हुई हूँ और ये तो एक महीने से बच्चे में जो प्रोत्साहन था कि हमें परीक्षा पर चर्चा में बैठना है, वे आज दिखा कि आज सारे बच्चे, सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल सब मिलके एक त्यौहार जैसे, एक फेस्टिवल जैसे इसमें सम्मिलित हुए हैं। और सर ने जो, मोदी सर ने जो आज हमें लगता था प्रधानमंत्री है, आज उनसे मिलकर ऐसा लगा कि आज हमारे गार्जियन, हम गार्जियन से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। बच्चे जो बात किसी से बोल नहीं पाते थे आज उनके पास बोले। जैसे उन्होंने कहा कि आलोचना को आप अपने पास रखो और आलोचना से अपना व्यक्तित्व सुधारो। गजेट के लिए बताया कि गजेट को के ऊपर आपके अपने ऊपर हॉबी मत होने दो, गजेट से आप सीखो और अपने व्यक्तित्व को उभारो। इस तरीके उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिया कि आप सवेरे उठ के अपनी माता से, माता पिता से सीखो कि उन्हें अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप उन्होंने एक एक छोटे छोटे घरेलू उदाहरण देके जो बच्चों को समझाया, जो कि बच्चे बहुत तुरंत अच्छे समझ गए और बच्चों की फेस से देखने से लगता था। और परीक्षा जो अभी पास आ रहा है, अभी 24 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहा है, उसमें बच्चों को बहुत मतलब हेल्प मिलेगा, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और एक लगेगा कि हमारे गार्जियन ने हमारा फिर दबाया है और हमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ने पे। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट। परीक्षा पर चर्चा को लेकर छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यह हमारे स्कूल में जो परीक्षा पे चर्चा का मैनेजमेंट किया गया है वह काफ़ी अच्छा है और यहाँ बहुत त्यौहार जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ परीक्षा पे चर्चा पे नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमें हार्डवर्क और स्मार्टवर्क के बीच में डिफरेंस, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। वहाँ पे हम जब उन्होंने कहा स्मार्टली हार्डवर्क करें, तो वो एक अलग ऊर्जा हम लोगों के अंदर लेके आई और एक नए डायरेक्शन में हम लोगों को फोकस किया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जब वो कहते हैं सारे साथियों, तो हम सब प्रोत्साहित होकर अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करते हैं। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे ओवरकम कैसे करना है, ये हमें प्रधानमंत्री ने बताया आज, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल और अच्छी बात है। आज हमारे विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित कराया गया था। उस पर हमारे स्कूल द्वारा सारी व्यवस्थाओं के साथ उसका आयोजन बहुत बेहतर तरीके से किया गया। उस पर हुई मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी, जैसा उन्होंने कहा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या होता है, उन्होंने दोनों के बीच का डिफरेंस बताया, उन्होंने हमें एग्ज़ाम देने के लिए प्रोत्साहित किया और हमारे माता पिता के द्वारा किया गया काम को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उनसे सीखने को कहा। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे आज परीक्षा पे चर्चा श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए, एग्जाम में हेल्प करने के लिए बहुत सारी गाइडेंस दी है। और इन्होंने कुछ ऐसा अलग एग्जाम्पल नहीं बता दिया है, हमारे रियल लाइफ से लेके ही हमें बताया गया कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और आरोप आलोचना ये सब के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा इन्हें सुन के और अंदर एक प्रेरणा प्रोत्साहित आया कि हम एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दे सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ से 11 स्कूलों का चयन किया गया था, जिसमें केएच मेमोरियल स्कूल भी शामिल था। टीचर्स और स्टूडेंट्स को किसी तरह की परेशानी न हो, जिसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बड़े पर्दे की व्यवस्था की गई थी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।